आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगंध दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। भारत के खेत से निकली सब्जियां और खाद्यान्न से आज दुनिया का टेस्ट बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे आज गांवों के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है उसका एक उदाहरण है स्वामित्व योजना। हम सब जानते हैं कि गांवों में जमीन की कीमती कितनी जमीन की कीमत का क्या हल होता है, जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद भी, क्योंकि गांव में जमीनों के कागज पर कई कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है, लोगों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है। आज गांव गांव हर एक घर की हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। इससे न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन भी मिलने की व्यवस्था निर्माण हुई है। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते थे, अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे, तब वो कहते थे जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है अकंठ उसका जल पियो। और उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता, उसके बाद सामने की ओर देखो, आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल महान श्रेष्ठ बनाओ। आजादी के 75वें वर्ष में हमारा दायित्व है कि अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। हमें मिलकर काम करना होगा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमें मिलकर काम करना होगा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमें मिलकर काम करना होगा कटिंग एज इनोवेशंस के लिए, हमें मिलकर काम करना होगा न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। ये मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान विकास की गति को भी होता है, शहरी मध्यम वर्ग को भी होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी बात को समझते हुए जल थल नभ हर क्षेत्र में देश ने असाधारण स्पीड और स्केल पर
काम करके दिखाया है। नए जलमार्ग वाटरवेज हो, नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी।